हर कोई चाहता है कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, कभी खाली ना हो। लेकिन कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपका पर्स खाली हो जाता है, या महीने के आखिरी में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि किन्नर को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेती हैं। यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो किसी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का वापस ले लें। यदि किन्नर अपनी खुशी से आपको सिक्का दे देता है, तो उसे हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी। आप अपने पर्स में पीपल का पत्ता रखें, जिससे आपके पर्स में धन की वर्षा शुरू हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। अब इस पर केसर से श्री लिखें और इसे अपने पर्स में इस प्रकार रखें कि यह किसी को नजर ना आए। नियमित अंतराल पर यह पत्ता बदलते रहें। ऐसा करने से काफी फायदा होगा। देखने में आता है कि कुछ लोग पर्स में बहुत सी ऐसी चीजें रख लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, और लंबे समय तक पर्स में रखे रहने से उनमें नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी कागजात या अन्य कोई चीजें जो गैर जरूरी हों, उसे तुरंत अपने पर्स से निकाल दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है। वहीं किसी भी पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को तिलक करने के बाद चावल भी चढ़ाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान चढ़ाए गए चावल बहुत ही विशेष होते हैं। मां लक्ष्मी को चढ़ाए गए चावलों में से 21 दाने लेकर एक कागज की पुड़िया बनाकर रख लें। अब इस कागज की पुड़िया को अपने पर्स में रख लें। इससे आपको काफी फायदा होगा। पर्स में कभी भी कोई अश्लील चित्र या अश्लील सामग्री भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पर्स की बरकत खत्म हो जाती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कहा गया है कि अपने पर्स और चाबी को कभी भी टेबल पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की बचत होना कम हो जाती है। इसीलिए कभी भी पर्स को टेबल में ना रखें। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी सही होता है। इससे पर्स के चोरी होने का खतरा भी कम हो जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आप अपने पर्स में अपने गुरु की छोटी सी तस्वीर रखें, तो काफी बरकत होती है। गुरु की तस्वीर पर्स में रखने से इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आप खराब समय में भी राहत और आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आपको धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। आप अपने पर्स में गोमती चक्र, समुद्री कौड़ी, कमल गट्टे, चांदी का सिक्का आदि भी रख सकते हैं। ये भी वस्तुएं मां लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। इनमें से कोई भी चीज पर्स में रखने से पहले थोड़ी देर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद इसे पूरी श्रद्धा से अपने पर्स में रख लें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी और धन से संबंधित मामले भी सुधरते जाएंगे। श्री यंत्र की तरह ही लक्ष्मी यंत्र वह महालक्ष्मी यंत्र भी बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। यदि श्री यंत्र न हो, तो इनमें से कोई
एक छोटे आकार का यंत्र आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये यंत्र सुख समृद्धि प्रदान करने वाले तथा जीवन में उन्नति प्रदान करने वाले माने गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।